हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस के हमने सीरीज़ और पैरेलल के फॉर्मूले देखे, ठीक है। सीरीज़ में आपके पास फॉर्मूला था कि अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में होते हैं तो करंट कांस्टेंट होता है और रेजिस्टेंसेस की एडिशन होती है। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनके रेसिप्रोकल का एडिशन होता है और वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये दो बात अगर आपको याद है तो इस तरह के सारे सर्किट आप सॉल्व कर पाओगे, और अगर ये दो बातों में से एक भी बात आप भूल गए तो आगे वाले सर्किट्स आपको सॉल्व करना नहीं आएंगे। तो चलिए मैं सैम्पल सर्किट से शुरू करता हूँ, और ऐसे सर्किट लेंगे कि जिसमें हमारे को पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन से वाले सर्किट्स को सीरीज़ बोलते हैं, कौन से वाले सर्किट्स को पैरेलल बोलते हैं, पहले वही समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए, मेरे पास एक सर्किट है, समझ लो ऐसे, यह है ए, दिस इज बी, दिस इज आर वन, दिस इज आर टू, दिस इज आर थ्री एंड दिस इज आर फोर, ठीक है। अब हमको ये बोला है कि ये होता है यहाँ पे पोटेंशियल लगा हुआ, ठीक है। इधर में आपने लगाया है वी इनपुट वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज आपने अप्लाई किया, इसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा पूरे सर्किट में से। तो इसमें आपको सिंपली ये पूछा है कि ये क्या इस सर्किट सीरीज़ में है या ये पैरेलल में, ठीक है। बहुत ही सिंपल बात पूछा है, एकदम बेसिक सर्किट से शुरू कर रहा हूँ मैं एकदम। तो यहाँ पे देखेंगे अगर ये कौन है, सीरीज़ है या पैरेलल है, तो हम बोलेंगे कि देखो करंट कौन सा होता है, जहाँ करंट डिवाइड हुआ समझ लो वो पैरेलल होता है। यहाँ करंट आई आया और इस पॉइंट पर आकर वो करंट दो करंट में चेंज हो गया, एक आई वन बन गया और एक आई टू बन गया। अगर इस तरह से दो करंट बन जाते हैं, मतलब यहाँ से पैरेलल शुरू हो चुका है, ठीक है। ये ब्रांच इनके साथ पैरेलल में है, ऐसा समझा जाता है। अब आई टू को अगर देखोगे तो आई टू सेम करंट पास हो रहा है दोनों में से, है ना, ये दोनों में से पास हो रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आर थ्री और आर फोर जो है हमारे सर्किट्स, तो ये दोनों सर्किट हमारे सीरीज़ में है ना। सीरीज़ कब होगा, जब एक सेम करंट पास होता है। करंट सेम पास हुआ मतलब सीरीज़, करंट बदल गया मतलब पैरेलल, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो इन दोनों को पहले सीरीज़ निकाल लेते हैं। अब सर्किट सॉल्व कहाँ से शुरू करेंगे आप, देखो आपको मैं बताता हूँ कि सर्किट सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आपको ये बोला गया है कि आपको निकालना है यहाँ का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, यानी कि आपको ए बी का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना है, तो आप क्या करेंगे मालूम है, सबसे पहले जो हमारा इक्विवेलेंट ए बी आपको निकालना है, तो फर्स्ट स्टेप आपकी ये होगी कि यहाँ पर एक कंसीडर करना है ए और बी के बीच में एक इमेजिनरी बैटरी, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कि कंसीडर एन इमेजिनरी बैटरी, इमेजिनरी बनाने की ज़रूरत नहीं है उसको, ऐसा समझना है। इमेजिनरी बैटरी कहाँ पर, बिटवीन ए बी, तो ए बी के बीच में एक इमेजिनरी बैटरी बोले तो ऐसी होगी कुछ तो भी हो, ठीक है, इस तरह की होगी। तो आपने क्या करना है, ये बैटरी वाले टर्मिनल को आखिर तक धक्का नहीं देना है, और सबसे दूर जो है, स्टेप टू क्या होगी हमारी, स्टेप टू होगी हमारी कि सर्किट रिडक्शन अप्लाई करना है। क्या करना है, अप्लाई सर्किट रिडक्शन फ्रॉम फार एंड, ठीक है, कौन सा एंड, फार एंड। फार एंड का मतलब होता है जहाँ पे आपको आर ए बी निकालना है उसका बिल्कुल दूर का एंड जो होता है, सबसे दूर का वो वाले पॉइंट पे। तो अगर हम यहाँ पर फिर इसको सर्किट को ड्रॉ करेंगे दोबारा, तो ये सर्किट हमारा कैसे बन जाएगा, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये है आर वन, और उसके बाद यहाँ से नीचे जाओगे तो ये हो जाएगा आर टू, ठीक है ना, ये पॉइंट बी है, ये ए है, ये है आर टू, और ये दोनों का अगर आप देखेंगे तो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक ही रजिस्टर आएगा। तो देखो अगर ये दोनों सीरीज़ में है तो ये कौन सा हो जाएगा, दोनों का सीरीज़, ठीक है ना, आर थ्री और आर फोर का सीरीज़ बोले तो आर एस हो जाएगा, वो सीरीज़ हो जाएगा। अब ये दोनों का क्या बन गया, ये दोनों का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बना है। आर एस की वैल्यू कितनी होती है, लिख दूँ कि मैं यहाँ पर, मैं आर एस की वैल्यू लिख देता हूँ, आर एस इज इक्वल्स टू आर थ्री प्लस आर फोर, ठीक है, डायरेक्ट एडिशन होता है ना, आपको भी याद है मालूम है कि सीरीज़ रहा तो डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा। अच्छा, इस सर्किट को और अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये कैसा बनेगा, अगर हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया तो ये सर्किट बन जाएगा। अब ये सर्किट ऐसा सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस आर वन होगा और यहाँ पर एक ही रेजिस्टेंस होगा जिस रेजिस्टेंस को आप आर पी बोलोगे, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आर वन और ये हो जाएगा आपका ए पॉइंट और ये हो जाएगा बी पॉइंट, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल सर्किट। फाइनल सर्किट के अंदर में ये दोनों कैमें दिख रहे हैं आपको, तो हमको ये दोनों भी दिखाई दे रहे हैं सीरीज़ में, है ना, ये सीरीज़ में है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको सीरीज़ लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आर ए बी, मैं यहाँ लिखता हूँ आर ए बी
यहाँ से जाएंगे, एक ही रेजिस्टेंस होगा और ये पॉइंट फिनिश, ठीक है, आर ए बी इसको बोलेंगे ऐसे, आर ए बी, और ये वाला होगा आपका आर, ये दोनों का आर पी और आर वन का क्या होगा इक्विवेलेंट, तो मैं बोलूँगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर पी, क्योंकि वो दोनों सीरीज में है ना, सेम करंट पास हो रहा है दोनों में से, इसीलिए वो क्या हो जाएगा ये वाली वैल्यू निकलेगी। तो इस तरह से आप एक सर्किट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव रिडक्शन, सक्सेसिव रिडक्शन बोलते हैं इसको, दूर से शुरू करना है और पहले तक आना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ जो कि बार बार लिया जाता है लेकिन फिर भी बच्चों को उसके अंदर में डाउट आता रहता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा है। कैसे करेंगे आप, यहाँ से लेंगे एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, ठीक है, पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा एक जोड़ देंगे आप और दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ देंगे, ठीक है। बहुत टाइम लिया हुआ क्वेश्चन है ये, मतलब के लेक्चर्स वगैरह में लेते रहता हूँ मैं, ठीक है। ये हो जाएगा आर वन, दिस इज़ आर टू एंड दिस इज़ आर थ्री। अब ये सर्किट का इक्विवेलेंट आपको निकालो बोले तो सबसे पहले आपने करना क्या है, ऐसे सर्किट आपको कहीं भी दिखेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी में भी दिखेंगे और आपको ये दिखे थे कहाँ पे दिखे थे इससे पहले, कैपेसिटर्स के अंदर में, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करो कि जहाँ जहाँ पर आपको सेम पोटेंशियल दिखता है वो मार्किंग कर लेंगे। तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी हमारी, स्टेप वन जो होगी, स्टेप वन तो वो होगा कि आइडेंटिफाई सेम पोटेंशियल पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कॉन्सेप्ट के अंदर में पूरा सर्किट ख़त्म हो जाता है। मतलब कैसे कि ये देखो सर्किट है मेरा, यहाँ से हम आए क्या, यहाँ से जोड़कर यहाँ पहुँचे, यहाँ से जुड़कर यहाँ पहुँचे, ठीक है, और यह है पॉइंट बी और यह है पॉइंट ए। अब मैं बोलता हूँ सेम पोटेंशियल कौन सा होगा, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये भी ए हो जाएगा, ठीक है ना, अगर ये ए है तो ये भी ए है क्योंकि सेम कंडक्टर है। अच्छा सेम कंडक्टर यहाँ जाके जुड़ रहा है तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट को देखो, अब ये कौन सा है, ये पॉइंट बी है, ये बी है तो ये बी है, और इधर से गए तो ये शॉर्ट सर्किट है, ये भी तो बी है। तो फिर अब क्या करना है आपने, अब आपने सिर्फ दो पॉइंट मार्क करने हैं। कितने पॉइंट आए अपने पास, ए और बी, दो ही तो आए, तो इसको लेना है ए, ये पॉइंट को लेना है बी, और देखना है कि तीनों रेजिस्टेंसेस, ये है हमारा आर वन रेजिस्टेंस, ये है हमारा आर टू रेजिस्टेंस और ये है हमारा आर थ्री रेजिस्टेंस। तो पहले आर वन को देखेंगे ए और बी के बीच में है, तो मैं इसको बोलूँगा ए और बी के बीच में, ठीक है, ऐसा हो गया। अच्छा दूसरे को देखो ज़रा, आर टू को देखो तो ए और बी के बीच में, वाह जी वाह, ये भी ए और बी के बीच में है, और तीसरे को देखेंगे तो वो भी ए और बी के बीच में। मतलब क्या हुआ कि ये तीनों भी जो है ये पैरेलल में, ठीक है। तो हमारा आर पी का वैल्यू क्या निकलेगा, वन अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, ऐसे निकलेगा। और इफ आर वन इक्वल्स निकलता है आर टू के और वो इक्वल होता है आर थ्री के, मतलब सबके सब इक्वल है, अगर सब इक्वल है अगर, तो हमारा आर पी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी टोटल रेजिस्टेंसेस कितने हैं, तीन है, तो आर को तीन से डिवाइड कर दो बस, आर बाय एन, मैंने बोला था ना आर पी की वैल्यू क्या होती है, आर बाय एन होती है, एन कितना है यहाँ पे, तीन है, तो ये आंसर कितना आया, तीन आया, ठीक है। चलो इसी से मिलता जुलता एक और कॉम्बिनेशन और यहाँ एक रेजिस्टेंस डाल देंगे बस, ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन। अब अगर इसके अंदर वैल्यूज देते हो आप तो ये है समझ लो हमारा आर वन, इसको बोल दो R2, इसको बोल दो R3, इसको बोल दो R4 और इसको बोल दो R5, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कितने पॉइंट्स बन रहे, सबसे पहले वो मेजर करेंगे, पॉइंट्स कितने बन रहे, तो मैं बोलूँगा ये पॉइंट का नाम क्या है, A है, क्या इसको मैं A बोल सकता हूँ, नहीं, क्या इसको मैं A बोल सकता, नहीं, छोड़ दो। अच्छा ये पॉइंट B है तो ये पॉइंट क्या हुआ, ये B हुआ, ठीक है, ऐसे B हो गया। अच्छा क्या ये पॉइंट पे जाने के बाद ये नया पॉइंट दिख रहा है C नाम से, ठीक है, और ये भी नया पॉइंट दिख रहा है तो इसका नाम क्या होगा, डी होगा। अब सर्किट को बनाएंगे कैसे आप, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए पॉइंट, यहाँ पे लिखेंगे बी पॉइंट, ऊपर लिखेंगे सी पॉइंट और नीचे लिखेंगे डी पॉइंट, क्योंकि अगर मैंने सीरियली लिख दिया तो फिर इसमें और हमारे सर्किट में फ़र्क क्या रहेगा, तो इसीलिए अलग करने के लिए आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। अब देखो आर वन किसके बीच जुड़ा है, ए और सी के, देखो ज़रा आर वन इसके बीच जुड़ा है ना। अच्छा आर टू किसके बीच जुड़ा है, ए और डी के, ए और डी के बीच में कौन है, कौन है ये, आर टू है ये। अच्छा आर थ्री को देखो, सी और डी के बीच में,
तो मैं बोलूँगा ये है वो, ये वाला सी और डी के बीच में, ये कौन है? आर थ्री। अच्छा आर फोर किसके बीच में है? सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में, ये कौन है? आर फोर। और आर फाइव किधर है? डी और बी के बीच में, ये है। ये क्या बना? अब आपको इस सर्किट का नाम शायद नहीं पता होगा, इसको बोला जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज कौन इसका नाम रखे नहीं मालूम, घी पत्थर का दाना कुछ तो भी। तो ऐसा अपन बोल रहे हैं इसको कि ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर में क्या होता है? एक कंडीशन होती है। एक कंडीशन क्या होती है मालूम है? आर वन इफ इफ आ आर वन अपॉन आर टू इक्वल हो जाता है आर थ्री अपॉन आर फोर के। देखो बोला ज़रा, उसको बोलते हैं ब्रांचेस, ये आर्म्स, आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आर वन अपॉन आर टू इक्वल्स टू आर थ्री, आर थ्री अपॉन आर फोर। तो आर थ्री अपॉन आर फोर की जगह अपने पास कौन है? आर फोर और आर फाइव है अपने पास, ठीक है। टर्मिनल्स चाहिए अपने को, टर्मिनल एंडिंग वाले, ये दो और ये दो, ये दोनों का रेशो अपॉन इज इक्वल टू ये दोनों का रेशो आता है। अगर ऐसा होता है देन करंट थ्रू आर थ्री विल बी ज़ीरो, याद रख लो। कैसा? ये आगे अपन पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे ना, तो नहीं कौन सा मीटर ब्रिज पढ़ेंगे ना, तो वहाँ बता दूंगा क्या पढ़ेंगे अपन, विल बी ज़ीरो, ठीक है। तो कैसे होता है हम आगे पढ़ेंगे ये वाला केस व्हीटस्टोन ब्रिज का नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो मैं वहाँ क्लियर कर दूंगा आपको कि ये कैसे ज़ीरो होता है बोल के, ठीक है। याद रख लो, अगर ये ज़ीरो होता है तो मतलब इसके अंदर से कोई भी करंट पास नहीं होगा। अगर कोई करंट पास नहीं होगा तो ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा देखो आर वन है ना, ये कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो आर वन और आर फोर पैरेलल सीरीज़ में है कि नहीं, बात सही? ऐसा आ जाएगा। और नीचे देखेंगे तो आर टू और आर फाइव ऐसे हो जाएगा, ये दोनों का सीरीज ले लो, ये दोनों का सीरीज ले लो और दोनों को पैरेलल कर दो। अरे समझे कि नहीं? क्या करेंगे? ऊपर में आ जाएगा आपके पास में आर एस वन और नीचे आ जाएगा आपके पास में आर एस टू, फिर दोनों का पैरेलल, बस खत्म। अब नहीं लिखते हैं इसको, ये आ जाएगा ए और ये बी के बीच में आर एस वन आर एस टू दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। तो आपका फाइनल आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी आर एस वन इंटू आर एस टू अपॉन आर एस वन प्लस आर एस टू, ठीक है। इस तरह समझ में आ रहा है सर्किट? तो इस तरह से सर्किट सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। ओके, तो देखिए हमारे पास ये एक सर्किट दिया है और हमको बोला है कि इसको सॉल्व करके आर एक्स वाई निकालना है। क्या निकालना है? आर एक्स वाई, एक्स वाई का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैंने ये सर्किट अभी आपको दिखाया है ना, ये ऊपर में यहाँ अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये तीनों पैरेलल में चल जाते थे, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सर्किट कुछ आपका इस तरह से बनने वाला है कि नहीं? ओके, तो ये हो जाएगा आपका वाई और ये हो जाएगा एक्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका पहला रेजिस्टेंस है, ये यहाँ तक कि ये 10 और ये 10, तो ये कितना आ जाएगा? ये रेजिस्टेंस 10 है, ये भी 10 है, ये वाला बीच का कितना है? 20 है। और ये कितना है? ये 30 है और ये 10 है, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। ये 30 कहाँ से लिया मैंने? दिस इज़ ऑल्सो 10, क्योंकि अगर हम उसको 30 लेते हैं तो ये व्हीटस्टोन बैलेंस ही नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आगे सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते, आपको नहीं समझेगा ना, व्हीटस्टोन बैलेंस नहीं हुआ था। 10 अपॉन 10 इक्वल्स टू 1, 10 अपॉन 10 इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये बैलेंस सर्किट हो गया। अगर ये व्हीटस्टोन का सर्किट है, व्हीटस्टोन बैलेंस्ड सर्किट, ठीक है, अगर ये व्हीटस्टोन का बैलेंस सर्किट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो फॉर्मूला हो गया आर पी का, वो कैसा हो गया? देखो ये तो बीच में से कट हो जाएगा ना, 20 ओम वाला है, 20 ओम वाला कट हो गया, तो ये 10 और 10 कायम आ गया सीरीज में, ये 10 और 10 कायम आ गया सीरीज में, तो ये कितना हो गया? 10 और 10 का 20, और ये कितना हो गया? 20 20 और 20 पैरेलल में। तो आप ऐसे बोलोगे उसको 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20, बस ये फाइनल आंसर है उसका। कितना हो जाएगा देखो? 400 डिवाइडेड बाय 40, दैट इज इक्वल्स टू 10 ओम्स। तो ये है आर पी की वैल्यू, समझी बात आपको? इस तरह से सॉल्व करना है इसको। अब देखो
अपने को एक सर्किट और दिया, ठीक है, और इस सर्किट में अपने क्या दिया, देखो ए से समझ लो ये 10 ओम लगा लेते हैं अपन, यहाँ पे एक 10 ओम दे देता हूँ और यहाँ पे एक 10 ओम दे देता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट का नाम है बी, 10 ओम्स 10 ओम्स 10 ओम्स, यहाँ से नीचे जाएंगे तो एक 10 और यहाँ से एक लगा लो 10, ठीक है, फिर यहाँ से एक 10 इधर और ये एक 10 इधर। चलो अब आपको क्या बोला है, ये पॉइंट सी है, ये डी है, ये ए है, ठीक है, ऐसा बोला है आपको, बोला ये है कि ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट निकालो, क्या निकालो, आर ए डी निकालो बोला है, ठीक है, क्या ये बहुत आसान है आर ए डी निकालना, क्या ये बहुत आसान है क्या, ये सबकी वैल्यू 10 है, ये भी 10 है भाई, ये भी 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, क्या ये निकालना बहुत आसान है, बिल्कुल, कैसे आप क्या करें मालूम है, सबसे पहले ये देखेंगे कि करंट कहाँ कहाँ जाता है, तो देखो करंट यहाँ से निकलता है, ठीक है, फिर यहाँ से जाता है नीचे की तरफ और यहाँ से जाता है आगे की तरफ, उसके बाद करंट यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ से वो सीधा नीचे की तरफ जाएगा, इधर जाएगा ही नहीं करंट, अरे इधर जाएगा ही नहीं, सर्किट कंप्लीट नहीं है भाई, इधर जाएगा ही नहीं करंट, अच्छा करंट यहाँ से नीचे चलेगा, अच्छा करंट इधर आया, इधर आने के बाद में करंट ने इधर राइट को टर्न ले लिया, क्यों, क्योंकि इधर में सर्किट कंप्लीट नहीं है भाई मेरे, सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से कट ऑफ हो गया, ये यहाँ से कट ऑफ हो गया, ठीक है, तो ये बन गया हमारा कट ऑफ, कट ऑफ दोनों भी कट ऑफ, चलो लो ख़त्म बन गया इधर, अब क्या हो जाएगा, ये 10 और 10 में से एक ही करंट जा रहा है ना ये वाला, अगर ये दोनों में से एक ही करंट जा रहा है तो ये दोनों सीरीज में होंगे, है कि नहीं बात सही, ऐसा होगा, और ये दोनों भी सीरीज में होंगे, अरे है कि नहीं, ये दोनों सीरीज सीरीज, तो फिर हमारा फाइनल सर्किट कैसे बनेगा, आप देखो ज़रा, ये बन जाएगा हमारा ए से शुरू बी पे ख़त्म, ये 10, उसके बाद इस पॉइंट पे 10 और 10 कितना होता है, 20 होता है, तो आप ऐसे लिखेंगे 20, और उसके नीचे वाले पॉइंट पे भी 20, और ये वाले पॉइंट पे 10, ये डी हो गया, आप देखो ज़रा 20 और 20 का पैरेलल लेंगे तो फिर से क्या बनता है, 10 ओम बनता है, ठीक है, तो ये 10 ओम बन जाता है वापस से, अगर ये 10 बन जाता है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 आंसर क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 30 ओम्स आएगा, ठीक है, 30 ओम्स ये आंसर है उसका फाइनल। देखो नेक्स्ट अपने क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इस तरह का एक सर्किट है और इस सर्किट में अपने को बोला है आर ए बी फाइंड आउट करना है, ठीक है, आर ए बी फाइंड करना है, तो अब आर ए बी फाइंड करने के लिए आप देखोगे अगर ये सर्किट को, अरे यार ये कैसे दिख रहा है बोल के, तो आप सोचोगे कि यार है रेजिस्टेंस आर 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 आर, सब रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है, लेकिन इसको ऐसे नहीं देखना, इसको क्या करना है मालूम है, समझ लो कि ये ए है ना, ये पॉइंट को ऐसा होल्ड करने का और इधर लेके चला जाएगा, तो जब आप इसको लेके जाते हो तो ये कैसा बन जाता है मालूम है, ये बन जाता है इस तरह से, देखो ज़रा ये आपने इसको लेके चले गया तो ये दोनों रेजिस्टेंस ये दोनों हो गए और ये जैसे के वैसे बीच में रहेगा, तो मैं इस सर्किट को ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ठीक है, ये वाला बीच में रहा और उसके बाद में ये दोनों भी, अगर हम इसके नाम दे देते हैं ना तो नाम देने के बाद और ईजी हो जाएगा, देखो अगर मैंने इसका नाम ए दे दिया था, इसका नाम दे देता हूँ पी, इसका नाम क्यू और इसका नाम आर, तो देखो ज़रा पी क्यू कौन है, ये है पी क्यू, दिस इज़ पी, दिस इज़ क्यू, समझे बात को, तो ये है ए अपना, तो ए से क्यू कनेक्टेड है, ए से पी कनेक्टेड है, ए से पी कनेक्टेड है, ए से क्यू कनेक्टेड है, फिनिश, क्यू से आर, पी से आर, तो क्यू से आर, पी से आर, ये हो जाता है, तो ये हो गया अपना टोटल रेजिस्टेंस, आप देखो ये बैलेंस विथ स्टोन है, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, अगर सब 2 है तो इसमें से करंट जाने वाला नहीं है, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 सीरीज़ में, ये 2 और 2 4 सीरीज़ में, और 4 और 4 का पैरेलल करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, याद रख लेने का उसको, 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 देख लो 16/8 इज इक्वल्स टू 2, सीधा सीधा याद रखने का, जितनी वैल्यू रहती है ना ऊपर 4 है और नीचे 4 है, दोनों ही वैल्यू है, दोनों पैरेलल में है, तो एक्जैक्टली उसका हाफ कर देने का, ठीक है, तो आरपी उसका एक्जैक्टली हाफ होता है, जितने रेजिस्टेंस उससे डिवाइड करते हैं अपन उसको, तो आरपी की ये वैल्यू निकली अपने पास में इस सर्किट के लिए, ओके देन, ठीक है, तो अब एक और सर्किट अपने को दिया है समझ लो नेक्स्ट, तो देखो कि सबसे पहले कौन कौन से पैरेलल में सॉल्व हो रहे हैं दूर दूर में, ए और बी को छोड़ दो, बाकी सबको सॉल्व करो, तो पहले ये दोनों का
पैरेलल हो जाएगा और ये दोनों का पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का देखो ना सेम पॉइंट है ना, सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो 10 और 10 का पैरेलल कितना होता है? तो देखो सर्किट हमारा इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट 10 और 10 का पैरेलल कितना होता है? 5 होता है, ठीक है, ये 5 होता है। अच्छा नीचे यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 और ये 8, ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको मिल रहा है एक 3 का, और ये 6 और 6 का पैरेलल करेंगे तो फिर से एक 3 का मिल रहा है, तो ये 3 का होगा, ये 3 का वैल्यू है, ऐसे हो जाएगा ये 3 और ये 3, ठीक है। अब ये पॉइंट बी है, अब आपको ए और बी के अक्रॉस तो निकालना है ना, ए और बी के अक्रॉस अगर निकालना है तो मैं क्या बोलूँगा इसको कि नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या हो सकती है, अगर हम ये पॉइंट को ए बोल रहे हैं और ये पॉइंट को बी बोल रहे हैं, इसको सी और इसको डी बोल दिया तो यही बन जाता है ना सर्किट। फिर से देखो, देखो ज़रा, अरे ये सिर्फ कनेक्शन है, सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर है बेटे, ऐसी छा वो कनेक्शन सेम तो है। देखो ज़रा, ए से सी कनेक्टेड, ए से सी कनेक्टेड, ठीक है ना, और इसको डी बोल दो तो ये ए से डी कनेक्टेड, वही तो है सर्किट, पूरा वही है। तो फिर क्या हो जाएगा, व्हीटस्टोन लगा दो, फिर व्हीटस्टोन का केस लगा दो इसके ऊपर में, पी अपॉन क्यू, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू बोला ना अपन ने उसको, अच्छा ठीक है, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू बोला तो क्या हो जाएगा, 5/5 और ये 3/3, मतलब क्या है इसके जो अनवांटेड वायर है ना, अनवांटेड वायर को छोटा करो, तो ये इक्वेशन ये ऐसी दिखती है बिल्कुल। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये अनवांटेड वायर, तो अनवांटेड वायर पे कितना, ये 3/3, ये 3/3 क्या, ये व्हीटस्टोन है ये, ठीक है। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, ऊपर 3 और 5 का एडिशन होगा, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस तो कुछ काम का ही नहीं है, निकाल दो इसके बीच में से, ऊपर 5 और 3 का एडिशन हो, नीचे 5 और 3 का एडिशन हो रहा है, कितने हो गए, 8 और 8, तो वैल्यू क्या निकली, आंसर फाइनल आंसर इज़ 4 ओम्स, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ये फाइनल आंसर है उसका, 4 ओम्स, समझ रही बात आपको। देखो नेक्स्ट में अपने को एक फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के अक्रॉस चाहिए, ए और बी के अक्रॉस चाहिए। अगर आपको ए और बी के अक्रॉस चाहिए तो मैंने आपको क्या बोला, ए और बी को कभी सॉल्व नहीं करेंगे आखिर तक, तो मतलब इसके अंदर में एक इमेजिनरी बैटरी समझ लो लगी हुई है, ठीक है, एक इमेजिनरी बैटरी लगी हुई है समझ लो थोड़ी देर के लिए। तो इसको क्या करेंगे आप, इसको नहीं छेड़ेंगे, फार एंड बोले तो डी दिख रहा, इसको सॉल्व करते हुए आएंगे। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो सबसे पहली स्टेप हमारी क्या हो जाएगी, ये 7 और ये 3 सीरीज में, अगर ये दोनों सीरीज़ में आ जाते हैं तो अपना नेक्स्ट सर्किट कैसे होगा, फिर देखो ए बी, ठीक है, अच्छा यहाँ से आपको पॉइंट सी पर जाना है, समझो ये है पॉइंट सी, तो आप सबसे पहले निकल रहे हो, ये 10 ओम मार के जा रहे हो, है ना, ये 10 ओम मार के आप गए, ऐसा 10, फिर एक सीधा 10 है ना, ये भी तो सीधा 10 ही है। अच्छा और बी पॉइंट से देखेंगे तो बी पॉइंट से एक सी तक है, तो बी पॉइंट से एक सी तक है, तो ये भी कितना है, ये 5। अब देखो ये दोनों पैरेलल में आ गए तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, जो पैरेलल में पहले उसको सॉल्व कर देंगे। तो ये दोनों को सॉल्व कर दिया, ए और बी को जैसे के वैसे रखना है, उसको चेंज नहीं करते, बोलो चेंज नहीं करते, ए और ये बी, अच्छा ये दोनों का पैरेलल कर दो कितना हो जाएगा, पॉइंट सी तक आर इक्वल्स टू 5 ओम्स, ठीक है, ये 5 हो जाएगा, इसका 10 और 10 का रेसिप्रोकल ले लो ना, ठीक है, 1/10 + 1/10 का रेसिप्रोकल, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब ये जो है ये 5 ओम, ये 5 के साथ सीरीज़ में आएगा, अब देखो ये आ गया 5 फाइनल वाला, तो ये कितना गया, 5 और 5 10, 10 सीरीज़ में आ गया ना अभी, तो 10 और 10 पैरेलल में अगर देखें तो आरपी, फाइनल आरपी की वैल्यू निकलेगी आपकी 10 × 10/10 + 10, तो ये रेजिस्टेंस कितने हैं, देखो ये ऊपर 10 है और नीचे 10 है, ये वाला 10 है, देखो ये एक 10 है और ये एक, ऐसी इक्वेशन, ये एक और ये दूसरा, ऐसा ये 10 और ये 10, तो अपन कहेंगे कि ये दोनों का 10 और 10 का कर लिया तो वैल्यू कितना निकलता है, 5 ओम, तो ये फाइनल वैल्यू अपनी, ठीक है, इस तरह से आपके पास में फाइनल वैल्यू निकलती है 5 ओम्स। चलो ये सर्किट थोड़ा इंपॉर्टेंट सर्किट है, इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। देखो ये सिमेट्रिक सर्किट में से गिना जाता है, ठीक है, इसको जो है हम सिमेट्रिकल सर्किट्स बोलते हैं, कौन से, सिमेट्रिकल। अभी सिमेट्रिकल सर्किट्स में आपको पूरा कॉन्सेप्ट लेने वाला पूरा एक एपिसोड हमारा सिमेट्रिकल सर्किट्स के ऊपर हो सकता है, ठीक है, उसके अंदर में वैल्यू हो सकती है और भी बहुत सारी चीज़ें, इन्फिनिट लैडर वगैरह वो भी देखना है ना। सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि अगर इसको मैं बीच में से अगर यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसी, तो ये सर्किट पूरा के पूरा इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है, ये जो है पॉइंट बी ए के साथ मैच हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इसके साथ मैच हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, और ये रेजिस्टेंस इसके साथ में आ जाएगा पैरेलल में,
ये रेजिस्टेंस इसके साथ में आ जाएगा पैरेलल में, तो मतलब यही होता है कि आप उसको घड़ी कर सकते हो, फोल्डिंग सर्किट्स बोलते हैं, तो आप इसको वर्टिकल लाइन पे फोल्ड कर सकते हो, तो ऐसे सिमेट्रिकल सर्किट में ये जो पॉइंट होता है ये जीरो पोटेंशियल वाला होता है। क्या होता है? जीरो पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल जीरो क्यों हुआ? क्योंकि मैं बोलूँगा एक्चुअली जीरो पोटेंशियल का हम उसको कैसा गिनते हैं कि पॉइंट सी पे जीरो पोटेंशियल आया, बोल के देखो करंट आया आई, वो आधा करंट इसमें से जाएगा इधर, तो आई बाई टू ऊपर चले गया, आई बाई टू इधर चला गया, देखो क्या होगा, यहाँ से निकले और यहाँ तक पहुँचे, तो देखो आर रेजिस्टेंस की वजह से कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, अगर यहाँ पे 10 वोल्ट था, यहाँ पे अगर 8 वोल्ट आया, तो इधर भी जाओगे तो 10 के बाद यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा, अगर ये 8 और ये 8 है, अगर दोनों सेम पोटेंशियल पे है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से कोई रेजिस्टेंस में से कोई करंट पास नहीं होगा। अरे बोलो भाई, नहीं होगा ना, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है वो सेम पोटेंशियल वाले होते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि करंट सा मतलब यहाँ से जा रहा है और फिर वो करंट इधर आ जाता है, तो अपने पास में मिल गया। या आप इस पॉइंट को जीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट भी बोल सकते हो, सिमेट्रिकल सर्किट है ना, सर्किट सिमेट्रिकल है कहा मैंने, तो उसकी वजह से ये पॉइंट जीरो पोटेंशियल का हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिटैच कर सकते हैं, ये वाले पॉइंट को ऊपर उठा देना है, तो हमारा न्यू सर्किट कैसा हो जाएगा, देखो हमारा न्यू सर्किट हो जाएगा ऐसे, ये एक रेजिस्टेंस आर, ये दूसरा रेजिस्टेंस आर, और ये आ गया पॉइंट बी, यहाँ से ऊपर जाओगे तो एक रेजिस्टेंस ऐसा, ठीक है ना, ऐसे यहाँ तक, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, ठीक है, ये आर 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 होगा, और ये जो है इसको आप ऐसा बना दोगे ऐसा, ठीक है, इस तरह से बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये आर और ये आर, ये दोनों काय में आ गए, ये दोनों काय में आ गए सीरीज में, तो ये कितना हो गया 2R, और ये कितना है R है, ये एक खुद R है और ये कितना है 2R है, तो मैं इसको फिर इक्विवेलेंट कैसे बना सकता हूँ, इसका 2R with R है ना, और ये बन गया 2R। उसके बाद देखेंगे तो ये नीचे आएगा ये R के साथ में, छोटू R की वैल्यू पॉइंट B तक, और इधर भी देखेंगे तो पॉइंट A तक, ये भी R है, ओके, और नीचे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल मिला तो 2R हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है कैमरे में क्या, हाँ ठीक है दिख रहा है, तो ये हो गया 2R। अब क्या करो, ये दोनों का पैरेलल करते हैं पहले, अब ये दोनों को पैरेलल सॉल्व करते हैं, अभी हमने क्या किया, ये दोनों का सीरीज़ लिया है ना, ये दोनों का सीरीज़ लिया, उसके बाद क्या करेंगे, इसको ये दोनों का पैरेलल लेंगे, इसका मैं लिखता हूँ पैरेलल, तो ये दोनों का पैरेलल कितना हो जाएगा, देखो आर पी इज इक्वल टू आर इंटू टू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस टू आर, यानी कितना हो जाएगा, टू आर का स्क्वायर अपॉन थ्री आर, आर आर गेट्स कैंसल, बचा कौन, आर पी की वैल्यू डायरेक्ट बची है टू आर बाय थ्री, मतलब ये रेजिस्टेंस कितना हो गया 2R/3, तो अब मैं फिर से बनाता हूँ, देखो तो ये कितना हो जाएगा, नीचे ये हो जाएगा 2R है ना, ये तो ये वाला आ गया, अच्छा ऊपर देखेंगे तो एक R, इसको ऐसा बना दो एक R, उसके बाद ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना 2R/3, ये तीसरा रेजिस्टेंस और सर्किट क्लोज, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी R, ये आ जाएगा 2/3R, और ये हो जाएगा R, और ये कितना 2R, और ये हो जाएगा A, और ये हो जाएगा B, बस खत्म। अब क्या ये तीनों सीरीज़ में है, तो फिर तीनों का एडिशन कर दो, तो RS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो R प्लस 2/3R, तो ये हो जाएगी वैल्यू आपके पास में कितनी 2R प्लस 2/3R है ना, तो कितना हो जाएगा 3 × 6R प्लस 2R 8R/3 है ना, 8R/3 ये वैल्यू हो गई, ये ऊपर का और नीचे ये 2, तो फाइनल हमारा सर्किट फिर से कैसा बनेगा, देखो हमारा सर्किट बन रहा है ए से ऊपर में एक 8R/3 और नीचे आ जाए तो डायरेक्ट बी आ जाता है और ये 2R आ जाता है, तो ये कितना है, ये 2R और ये कितना है 8/3R, 8/3R, ठीक है ऐसा आ जाएगा, तो अब ये दोनों का पैरेलल कर दो, तो व्हाट विल बी द आंसर, 8/3R इनटू 2R डिवाइडेड बाय 8/3R प्लस 2R, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 16R/3 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा, देखो 3 × 6 8 + 6 = 14R डिवाइडेड बाय 3, 3 गेट्स कैंसल, ये R, ये R स्क्वायर के साथ में कैंसल, ये आ जाएगा आपका 2 से चले गया तो 8, 8/7, तो RP की वैल्यू आपकी निकल रही है 8/7R, ठीक है 8R/7R, ये RP की वैल्यू है जो कि हमको बोला गया था निकालने के लिए A और B के बीच में, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन को घुमाना है अगर उसने, तो क्या करता है मालूम, वो आपको A और C के बीच में पोटेंशियल पूरा रेजिस्टेंस निकालो बोलता है, बस इतना ही होगा, ठीक है, क्या ये बात अच्छे से समझ में आई आपको। अब देखो इस क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है मालूम है कि द वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस 0.5 ओम पर मीटर,
इट इज़ 0.5 ओहम पर मीटर, एक मीटर की जो रेजिस्टेंस है यानी रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं आप उसको, ओहम पर मीटर, रेजिस्टिविटी ओहम मीटर होती है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस पर मीटर है, 0.5 रेजिस्टेंस पर मीटर, यानी अगर ये वायर 2 मीटर का होगा तो ये 0.5 मिलाकर 1 ओहम का रेजिस्टेंस बनाएगा, जितना छोटा वायर उतना कम रेजिस्टेंस, क्योंकि 0.5 एक मीटर के लिए है वैल्यू। रेडियस कितना है 1 मीटर, मतलब यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 1 मीटर है, तो ये भी कितना होगा, ये 1 मीटर होगा, ठीक है। और 3 वायर है यहाँ पे, उसने ये बोला अपने को कि सेम वायर इज़ कनेक्टेड अक्रॉस ए बी डायमीटर ए बी, एक तो ये वायर को आपने बेंड करके यहाँ पे लगाया ए से बी पे, दूसरा ये वायर है आपका जिसको आपने ए से बी पे स्ट्रेट लाइन लगा दिया, ठीक है, ए बी से स्ट्रेट लाइन, और तीसरा एक वायर है जो ए से लेकर बी तक जा रहा है नीचे वाले पाथ से, ऐसे 3 वायर हो चुके हैं यहाँ पे। अगर 3 वायर हो चुके हैं तो चलो फिर अपन क्या कर लेते हैं कि वैल्यू निकाल लेते हैं कि कितना कितना रेजिस्टेंस होगा, ये टोटल रेजिस्टेंस आपको ए बी का निकालना है, तो रेजिस्टेंस मैं निकालूंगा सबसे पहले कि रेजिस्टेंस ऑफ अपर वायर, ऊपर वाला जो वायर है ये वाला, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो मैं उसको बोलूँगा इट इज़ इक्वल्स टू रेजिस्टेंस पर मीटर, यानी कि आर ज़ीरो बोल दो उसको, है ना, रेजिस्टेंस पर मीटर आर ज़ीरो बोल दो, आर ज़ीरो इंटू ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ए बी, ए बी की लेंथ कितनी है पाई आर, है ना, पाई आर लेंथ है उसकी, तो आर ज़ीरो की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 1 मीटर है ना, ठीक है, आर की वैल्यू है 1 मीटर, ये आर को मैं कैपिटल लिखता हूँ, नहीं रेजिस्टेंस लिखता है ना कैपिटल से छोटू आर, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू इसकी लेंथ, लेंथ कितनी होगी उसकी छोटू आर, छोटू आर का मतलब है उसका रेडियस, रेडियस कितना है उसका 1 मीटर रेडियस है, तो ये आ गया आपका 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा 0.5 पाई, तो रेजिस्टेंस ऑफ अपर ब्रांच इज इक्वल्स टू आर वन ले लो उसको, आर वन इज इक्वल्स टू 0.5 पाई, ठीक है। दूसरा देखो स्ट्रेट लाइन रेजिस्टेंस टू, स्ट्रेट लाइन वाले वायर का कितना हो जाएगा आर ज़ीरो इंटू उसकी लेंथ, लेंथ कितनी है उसकी 2R, है ना, इसकी लेंथ कितनी है 2R है ना उसकी लेंथ, तो ये हो गया 2R, तो ये कितना बन जाएगा, देखो आर ज़ीरो इज 0.5 इंटू टू इंटू आर, आर की वैल्यू 1 मीटर है, तो ये वैल्यू कितनी होगी 0.5 इंटू टू बोले तो 1 होता है, तो ये वैल्यू होगी 1 ओम्स, आर टू की वैल्यू, देयर फोर आर थ्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी जितनी आर वन की थी, कितना है 0.5 पाए, ठीक है, तो फिर देयर फोर आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 0.5 पाए, ये वाला भी, तो 0.5 पाए बोले तो 2 टाइम्स, पहले लिख दूँ क्या, पूरा लिख के बता दूँ, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, क्योंकि तीनों पैरेलल में ना, देखो A और B के बीच में तो है तीनों भी, तो तीनों पैरेलल में हो गए, ठीक है, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, R1 की वैल्यू कितनी है 0.5 पाए, मतलब 0.5 पाए बोले तो ऊपर जाके कितना बन जाएगा 2 पाए बन जाएगा वो 2 अपॉन पाए ऐसा, प्लस 1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन पाए, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 अपॉन पाए, मतलब कि ये हो जाएगा 4 पाए, 4 अपॉन पाए प्लस 1, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा ना, ये वैल्यू रेसिप्रोकल की वैल्यू है ये, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, फिर देखो R इक्विवेलेंट विल बी, तो इसको पहले सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा पाए ऊपर चले गया 4 प्लस पाए डिवाइडेड बाय पाए, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इक्विवेलेंट इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो पाए अपॉन 4 प्लस पाए ओम्स, ये है उसकी वैल्यू, पाए अपॉन पाए प्लस 4 या 4 प्लस पाए, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट, ठीक है, समझ में आया ये सर्किट। अब देखो ये क्वेश्चन आपने क्या दिया है कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज बेंट इनटू अ फॉर्म ऑफ अ रिंग ऑफ रेडियस आर, छोटू आर, ठीक है, ये छोटू आर इसका रेडियस है, ये रिंग बनाया गया है, और फाइंड द आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, और व्हेन एंगल एक्स ओ वाई इज इक्वल्स टू अल्फा, ये अल्फा एंगल है। अब देखो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस हो रहे हैं, कौन कौन से मालूम है, ये वाला पॉइंट है आपका एक्स और ये वाला पॉइंट है एक्स और ये पॉइंट है वाई, ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस तो ये हो रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो रहा है, तो दोनों गाय में है पैरेलल में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देर आर 2 रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, देर आर 2 पैरेलल रेजिस्टेंसेस, दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, एक को आर वन बोल देंगे, इसकी वैल्यू को आर वन बोल दो,
और दूसरे की वैल्यू को आर टू बोल दो, ठीक है, इस तरह से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर ये वाला आपके पास में आर वन है समझो और ये वाला है आर टू, तो बस ये दोनों फाइंड करना है आपको। और फिर क्या कर लेना है कि आर इक्विवेलेंट जो होगा आपका, आर इक्विवेलेंट तो वो हो जाएगा आर वन इंटू आर टू और डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, बस यही होगा। तो चलो निकालते हैं फिर। अगर मैं रेजिस्टेंस आर वन निकालना चाहता हूँ, ठीक है, रेजिस्टेंस आर वन, टोटल रेजिस्टेंस कितना है पूरे सर्कल का, आर है कैपिटल आर, तो मैं बोलूँगा कि रेजिस्टेंस ऑफ रिंग, पूरे रिंग का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ आर्क एक्स डब्ल्यू वाई, एक्स डब्ल्यू वाई, एक्स डब्ल्यू वाई का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ टू पाई छोटू आर इंटू लेंथ ऑफ आर्क, तो हम बोलेंगे आर्क लेंथ, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है सबको, ये क्या है, ये है आपका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। टोटल टू पाई आर के लिए रेजिस्टेंस आर है, तो पर यूनिट लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, आर बाय टू पाई आर, ठीक है, कैपिटल आर अपॉन टू पाई आर, इस तरह से। तो पर यूनिट लेंथ निकल गया, पर यूनिट लेंथ को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझना है आपको, तो मैं आपको इससे पहले मैंने फ्लूड मैकेनिक्स में आपको ये पॉइंट समझाया था। देखो फ्लूड मैकेनिक्स अपन ने क्या करे थे, अपन ने लिए थे कि अगर मेरे पास में एक रॉड होती है, ठीक है, ध्यान से सुनो, कितनी बड़ी रॉड है, ये 10 मीटर की रॉड है, ठीक है, और इसका वेट कितना है, 20 केजी है। तो बताओ कि 1 केजी का कितना वेट हुआ, तो आप बोलते हो फॉर 1 केजी, फॉर 1 केजी 1 मीटर ले लो, 1 मीटर का कितना वेट हुआ, 1 मीटर, तो आप क्या करते हो 20 बाय 10 कर लेते हो, यानी कि 2 केजी आया ना, फिर 1 मीटर के लिए 2 केजी। तो फिर मैंने आपको पूछा था कि व्हाट इज द वेट ऑफ, वेट फॉर 3.5 मीटर, तो आप क्या करते हो 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो कितना आ गया, 7 केजी आ जाता वेट। तो अगर मैंने बोला कि 2 मीटर के लिए कितना, तो आप 2 टू द 4 करोगे तो 4 केजी आ जाएगा। फिर मैं बोलूँगा कि अगर एक्स लेंथ के लिए बोलेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स, ये आ जाएगी ना वैल्यू। तो बस ऐसा ही केस है, ठीक है, ऐसा ही केस है। तो वैल्यू कैसे निकल गई अपनी, आर अपॉन टू पाई आर इंटू आर्क लेंथ, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। अब आर्क लेंथ की वैल्यू अपन यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हो गया हमारा आर वन इज इक्वल्स टू आर अपॉन टू पाई आर आर्क लेंथ। अपने पास में फॉर्मूला होता है कि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ऐसा होता है फॉर्मूला। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू अल्फा, तो ये आ जाएगा आपके पास में रेडियस इंटू अल्फा, ठीक है, आर अल्फा। तो ये आ गया आपके पास में आर वन की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आर और आर गेट्स कैंसिल, क्या बचा, आर अल्फा बाय टू पाए, कितना बचा, आर अल्फा अपॉन दो पाए, ये वैल्यू बची है आपके पास में। अच्छा, अगर ये वैल्यू बची है तो फिर क्या करो, आर टू निकालो। देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ एक्स, और इसका नाम क्या दे देते हैं, इसको डब्ल्यू बोले ना अपन ने, एक्स वाई, इसको जेड बोल दो, तो एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, इस वायर का रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, इस वायर का रेजिस्टेंस आप निकाल पाओगे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी कि टू पाई आर इंटू ये वाला पूरा वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, देखो 360 माइनस अल्फा ना, यानी कि 360 को क्या लिखते हैं अपन, रेडियन में बोलो, तो आप लिखोगे आर अल्फा था यहाँ पे, यहाँ पे क्या था, देखो आर्क लेंथ कितनी थी, आर अल्फा, तो यहाँ पे आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, आर इंटू ये पूरा बचा हुआ एंगल, रेडियस इंटू बचा हुआ एंगल, बचा हुआ एंगल कितना है देखो, बोला ये बचा हुआ एंगल है 2 पाई माइनस अल्फा, अरे समझा क्या, 2 पाई माइनस अल्फा, पूरा कितना है 2 पाई, तो 2 पाई का अगर टोटल एंगल है उसमें से अल्फा निकाल दो, 2 पाई बाय अल्फा, तो ये हो जाएगा आर इंटू 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है, ये लो ऐसे हो गया। तो ये वाली वैल्यू निकली आपकी, तो आप क्या निकाल रहे थे इसके अंदर से, आपने यहाँ से निकालना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है ना एक्स वाई जेड का, तो आप बोलोगे एक्स वाई जेड का रेजिस्टेंस 2 इज इक्वल टू, यहाँ से आर और ये आर गेट्स कैंसल, और ये क्या हो जाएगा आपका आर अपॉन टू पाई, और ये आ जाएगा टू पाई माइनस अल्फा, टू पाई माइनस अल्फा, बस ठीक है। अब क्या करना है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन है किसका, ये वाले वैल्यू में रखना है। देयरफॉर ये वाले फॉर्मूले में आप पुट करो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर वन आर टू, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो आर वन कितना है, आर वन की वैल्यू है आर अल्फा अपॉन दो पाए मल्टीप्लाई में, आर टू की वैल्यू कितनी है, आर अपॉन दो पाए टू पाए माइनस अल्फा, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, डिवाइड में ये दोनों का एडिशन, तो डिवाइड में एडिशन टू पाए प्लस आर टू पाए माइनस अल्फा अपॉन टू पाए, ठीक है।
ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 4 पाई का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई माइनस अल्फ़ा, और होल डिवाइडेड बाय 2 पाई कॉमन निकला तो ऊपर एडिशन हो गई, आर अल्फ़ा प्लस आर है ना, एडिशन कर दो कितनी हो जाएगी एडिशन उनकी, आर अल्फ़ा प्लस 2 पाई कैपिटल आर माइनस आर अल्फ़ा है ना, ऐसी हो जाएगी वैल्यू, और डिवाइडेड बाय कितना, 2 पाई, तो ये आर यार आर अल्फ़ा आर अल्फ़ा यहाँ से कैंसिल हो गया, ये पाई इस एक पाई के साथ कैंसिल हुआ, ये 2 से ये कैंसिल हुआ और यहाँ पे 2 आया, तो फाइनल आर इक्विवेलेंट क्या बच रहा है, आर इक्विवेलेंट इज़ इक्वल्स टू ऊपर से क्या बच रहा है देखो, आर स्क्वायर अल्फ़ा 2 पाई माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, ठीक है नीचे तो कुछ नहीं बचा ना डिनोमीटर में, तो ये डिनोमीटर नीचे उतर जाता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दो 2 पाई आर, बस 2 पाई कैपिटल आर, तो यहाँ से एक आर इस आर के साथ में कैंसिल हो गया, ओके, तो वैल्यू आपके पास क्या बच रही है, आर अल्फ़ा अपॉन कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 2 पाई माइनस अल्फ़ा, जैसे कि वैसे, और इसको सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो छोड़ दो, मेरा तो दिल बोल रहा है बस यहीं छोड़ देने का इसको, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है पूरा कैमरे में, ठीक है, उठ गुड, तो यहाँ तक के हमने कुछ वैल्यूज़ लिखी, तो इस तरह से ये आप रेजिस्टेंसेस को सॉल्व कर सकते हो, इसके अगले लेक्चर में भी हम जो है तो सिमेट्रिकल रेजिस्टेंसेस, बहुत सारे सिमेट्रिक सर्किट जो होते हैं वो वाले, और कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल, वो सब मिलाकर ले लेंगे, ठीक है, आगे व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज वगैरह सब पे जाने से पहले हम यहाँ पर सर्किट्स कंप्लीट करके जाएंगे, तो ये वाला कॉपी कर लीजिए और लिखिए इसको पूरा कैसे समझते हैं, बोलिए, ठीक है, थीके?